साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको जो उपाय जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, अगर इसे आप थोड़ा सा भी इसमें अमल करते हैं, थोड़ा सा भी इसको आजमाते हैं, 7 दिन के अंदर आपको इसका चमत्कारिक रूप से परिणाम मिलेगा। इस प्रयोग को दोस्तों आप रविवार से स्टार्ट कर सकते हैं, मंगलवार से और शुक्रवार से। अगर मंगलवार से स्टार्ट करते हैं तो आपके सूर्य जो है ये आपके मजबूत होंगे। अगर आपकी जिंदगी में धन पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, और मतलब कि रोजगार नहीं है, तो इन चीजों के लिए आप रविवार से शुरू कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके राजयोग बने, कोई अच्छा आपको जॉब मिले, रोजगार मिले, धन की हमेशा बरकत रहे, और किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या है तो उससे मुक्ति के लिए, कोई आपको ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा कार्य है जो आपका काफी समय से नहीं बन रहा है, तो इस प्रयोग को आप रविवार से शुरू करें। यदि कर्ज बहुत ज्यादा है, मंगल से संबंधित कोई भी दोष अगर आपको चल रहा है, कोर्ट कचहरी संबंधित चल रहा है, कर्ज संबंधित चल रहा है, देखिए ये प्रयोग ऐसा है कि आप 3 वार में से, जैसे कि रविवार, मंगलवार और शुक्रवार, इनमें से शुरू करते हैं तो धन संबंधित परेशानी तो आपकी दूर होना ही होना है। लेकिन अगर आपको कोर्ट कचहरी संबंधित कोई मामला आपका चल रहा है ना, या फिर आपका भूमि भवन संबंधित कोई परेशानी चल रही है, या फिर आप खुद का प्रॉपर्टी अपनी बनाना चाहते हैं, तो मंगलवार से स्टार्ट करें। इसके अलावा यदि माता लक्ष्मी की, इनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, साथ में वीनस को यानी कि शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो शुक्रवार से शुरू करें। शुक्र दोस्तों ऐसे हैं तो जो लग्जरीज लाते हैं, ठीक है, तो शुक्र को बैलेंस करने के लिए शुक्रवार से स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि रविवार से स्टार्ट करते हैं तो ये सभी दिन इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि रविवार से शुरू करेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मतलब सभी दिन इसमें ऐड हो जाएंगे। लेकिन कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति करना है तो रविवार से शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, कर्ज है या फिर भूमि भवन संबंधित परेशानी है, या खुद का घर चाहते हैं तो मंगलवार से स्टार्ट करें, लग्जरीज चाहते हैं शुक्रवार से स्टार्ट करें। प्रयोग बहुत चमत्कारिक है, अगर इसको आप थोड़ा सा भी इसमें अमल करते हैं तो कुछ ही दिनों में इसका कुछ चमत्कारिक रूप से परिणाम मिलेगा। दोस्तों कोई भी उपाय करते हैं तो पॉजिटिव होकर के क्रिया करें, ये नहीं कि मन में चल रहा है कि होता है सर कि नहीं होता है। काफी लोग अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि प्लैनेट जब योग बनाते हैं तभी हमारी जिंदगी में अच्छा या बुरा होता है, और इन प्लैनेट को ही बैलेंस करने के बाद में हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो रविवार को यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी एक मुट्ठी आपको लेनी है गेहूं, ठीक है, और साथ में आपको लेनी है थोड़ी सी शहद। और रविवार को शुरू कर रहे हैं तो 11 पीस छोटे छोटे से आपको गुड़ के ले लेने हैं। गेहूं को दोस्तों आप पहले फुला दें, क्योंकि आपको एक गाय माता को खिलानी है, तो आपको क्या करना है, एक मुट्ठी गेहूं लेना है, उसको पानी में डाल दें, जब वो भीग जाए, फूल जाए, तो घर की आपके रविवार में जो पहली रोटी बनती है, ठीक है, उसको आपको निकाल लेना है, उसमें आपको एक मुट्ठी आपको गेहूं जो आपने फुलाई हुई तो वो डाल देना है, और जो आपने गुड़ के पीस लिए हुए हैं, अगर रविवार से स्टार्ट कर रहे हैं तो 11 पीस गुड़ के लेने हैं, और हर एक गुड़ में आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा शहद लगा देना है। तो पहली रोटी जो होगी उसमें गेहूं आप रख देंगे, 9-11 पीस गुड़ के रख देंगे, और सभी उसमें गुड़ के जो पीस होंगे उसमें आपको शहद लगा देनी है। अब इसको आपको क्या करना है, किसी भी लाल गाय को खिला सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो किसी भी गौ माता को खिला दें, और ये प्रयोग आप कंटिन्यू 45 डेज तक करेंगे। कुछ ही दिनों में इसका आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा, लेकिन अगर आपने 45 डेज कंटिन्यू कर लिया तो जिस भी कामना को लेकर के आपने इस प्रयोग को किया है वो कामना आपकी पूरी होगी, संकट परेशानी वो आपका दूर हो जाएगा। ये आप रविवार से स्टार्ट करेंगे। अब मंगलवार से क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, अभी आपने 11 पीस गुड़ के लिए थे, है ना। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तो कोई भी खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग काफी
उपाय कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सीधा सा मतलब है आपका बर्थ चार्ट जो है वो अनबैलेंस है, या बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही है। जब तक उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग कोई रेमेडी नहीं करेंगे, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई रेमेडी नहीं करेंगे, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करें, और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आप 7/11/21 दिन में साफ साफ देख पाएंगे। और एक विशेष पूजा हमारे द्वारा की जाती है दोस्तों राहु ग्रह को बैलेंस करने के लिए। राहु को अपने बर्थ चार्ट में बैलेंस कर लेना, अनएक्सपेक्टेड धन रुपया पैसा सब कुछ लाइफ में आने लगता है। ये विशेष पूजा शाबर मंत्रों के द्वारा की जाती है। 18 दिन की विशेष पूजा होती है। आपके नाम, माता पिता के नाम, फोटो के द्वारा, संकल्प के द्वारा आपके बर्थ चार्ट में राहु को टोटल बैलेंस कर दिया जाता है। परिवर्तन आप 18 दिन में अमेजिंग चेंजेस देखेंगे। अगर ये विशेष पूजा बुकिंग कराना चाहते हैं या मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि राहु की विशेष पूजा जो है वो शाबर मंत्रों के द्वारा उसको बुकिंग कराना है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब दूसरा प्रयोग आप करेंगे मंगलवार के दिन में। तो आपको मंगलवार के दिन में कर रहे हैं तो सोमवार की रात्रि में एक मुट्ठी गेहूं आपको भिगो देना है, सुबह वो फूल जाएगी। तो अब मंगलवार के दिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो घर की पहली रोटी आपकी बनती है तो उस रोटी को अलग रख देंगे, उसमें चारों तरफ शहद लगा देंगे, जैसे घी वगैरह लगाते हैं, पूरा रब कर देंगे। एक मुट्ठी गेहूं उसमें डाल देंगे और 9 पीस उसमें आपको डाल देना है गुड़ के। और साथ में यदि आप मसूर की जो दाल होती है, एक मुट्ठी मसूर की दाल भी भिगो दें तो सोने पे सुहागा। मंगलवार से स्टार्ट करेंगे तो आपको ये 45 डेज तक कंटिन्यू यही सामग्री 9 पीस गुड़ की रहेगी, ठीक है। पहले आपने रोटी में शहद लगानी है, फिर एक मुट्ठी गेहूं रखनी है, एक मुट्ठी मसूर की दाल और 9 पीस गुड़ के छोटे छोटे, और गुड़ के पीस में भी आपको शहद का तिलक लगाना है। और ये कंटिन्यू 45 डेज तक आप करेंगे, कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और कंटिन्यू करते रहेंगे तो पहाड़ जैसी परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। कोर्ट कचहरी संबंधित मामला है तो इस प्रयोग को जरूर करें 45 डेज। भूमि भवन संबंधित परेशानी है तो भी इसको करें। और यदि खुद का घर चाहते हैं कि आपके खुद के घर के योग बने तो इसी प्रयोग को मंगलवार से शुरू करके 19 डेज तक आप कर लीजिए। आप देखेंगे दोस्तों 3 महीने में अमेजिंग चेंजेस आएगा, आपके खुद के घर के योग बनना शुरू हो जाएंगे। अब आप लग्जरीज चाहते हैं, ढेर सारा पैसा चाहते हैं, धन संपत्ति, सुख ऐश्वर्य चाहते हैं तो इस प्रयोग को आपको शुक्रवार से स्टार्ट करना है। कंडीशन वही रहेगी आपकी, पहली रोटी आपको निकालनी है, ठीक है, उसमें आपको पूरे में शहद लगा देनी है और एक मुट्ठी आपको गेहूं उसमें डाल करके 6 पीस गुड़ के डालने हैं, और गुड़ के पीस में आपको शहद लगा करके कंटिन्यू 45 डेज आप बढ़ा सकते हैं इसको। कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों चमत्कारिक रूप से इसका परिणाम मिलेगा, क्योंकि गौ माता जो होती हैं हमारे सनातन धर्म में कामधेनु कही गई हैं, समस्त देवी देवताओं का वास इसमें कहा गया है। और इन गौ माता में सभी ग्रहों का वास होता है, सभी देवी देवताओं का वास होता है, पितरों का वास होता है। तो गौ माता को कोई चीज जैसे हम अपने घर से खिलाते हैं नियम पूर्वक, तो उससे क्या होता है, जितने भी हमारे दोष होते हैं, कर्माज होते हैं, इन सब से हमें मुक्ति मिल जाती है, हमारे प्लैनेट बैलेंस हो जाते हैं। और पहले प्लैनेट बैलेंस होते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ लाइफ पूरी बैलेंस हो जाती है। तो जो भी आपको सही लगता है, रविवार का मैंने आपको बता दिया, मंगलवार का आपको बता दिया और शुक्रवार का बता दिया, लेकिन करना आपको कंटिन्यू है बिना लिंक तोड़े 45 डेज। महिलाएं यदि कर रही हैं, बीच में शुद्धि वाले दिन आते हैं तो अपने घर के किसी मेंबर से बोल सकते हैं कि वो इस प्रयोग को कर दें, लेकिन लिंक आपको नहीं तोड़नी है। 45 डेज मतलब 45 डेज, अगर बीच में लिंक तोड़ जाती है तो फिर आप न्यू स्टार्ट करेंगे। छोटा सा उपाय है दोस्तों, एक तरफ से हम निस्वार्थ भाव से सेवा भी कर रहे हैं गौ माता की, और ये सेवा गौ माता की छोटी सी आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक परिणाम लाएगी, बड़े से बड़ी विपत्ति आपकी दूर कर सकती है। और इस प्रयोग को करने के लिए ये भी कहा गया है दोस्तों कि अगर ये प्रयोग आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमें तो नहीं पता हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, लेकिन कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो पहले ही टल जाती है, कोई बड़ी परेशानी हमारी जिंदगी में नहीं आती है। तो पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को आप करें, है ना। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी जानकारी दोस्तों मैंने अपने हिसाब से आपको पूरी अच्छे से दे दी है, फिर भी बात समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं।
और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे, जितने लोगों को लाभ मिलेगा आप लोगों को दुआएं देंगे, घर बैठे किसी की मदद करने का, हेल्प करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फिर फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और राहु की विशेष पूजा की यदि बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। 18 दिन में अमेजिंग चेंजेस दिखाई देंगे आपको, ठीक है? तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।